हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल ठक्कर है। मैं आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉकसीट। लॉकसीट का क्या इम्पोर्टेंस है? आप किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं और मशीनरी रेंटल पे देते हैं, तो रेंटल पे जब भी आप मशीनरी देते हो तो ये ध्यान अवश्य रखिए कि मशीन साइट पे पहुँचने के से पहले दिन से ही आप अपने ऑपरेटर से लॉकसीट अवश्य भराएं। लॉकसीट भरवाने से फ़ायदा आपको क्या क्या हो सकता है वो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, और लॉकसीट का जनरली स्टैंडर्ड कॉलम क्या होना चाहिए, आप उसमें अपने हिसाब से एक दो कॉलम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहले लॉकसीट यानी कि मशीन आप जहाँ पे जिस साइड पे चल रहा है उसका डेली रिपोर्ट, उसमें सबसे पहला कॉलम एक हो सकता है डेट का कॉलम हो सकता है। उसके बाद मशीन किस कस्टमर के पास में है, उस कस्टमर का नाम। उसके बाद एक कॉलम आएगा साइट या तो एप्लीकेशन, कौन सी साइट पे या कौन सी एप्लीकेशन पे है। उसके बाद मशीन का आपका सीरियल नंबर जो आप रखना चाहे तो बराबर है, और एक मशीन के लिए सिर्फ एक लॉकशीट है तो मशीन सीरियल नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग मशीन का सब कंबाइंड आप कर रहे हो तो उसका मशीन का सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद मशीन का ओपनिंग आवर्स, मशीन का ओपनिंग आवर्स मतलब आपका आज सुबह मशीन जब स्टार्ट हो रहा है तो मशीन जनरली जो चल रहा है आवर्स के हिसाब से चलता है, तो उसमें ओपनिंग आवर्स कितना था। उसके बाद लास्ट में काम खत्म होने के बाद आता है मशीन का क्लोजिंग आवर्स। ये दो आप मेंशन करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा आपका मशीन आज के दिन में टोटल कितना वर्किंग साइट पे हुआ है, उसका आपका आवर्स निकलेगा। तो वो हुआ है मशीन का आज का वर्किंग आवर्स कितना हुआ था। वर्किंग आवर्स के बाद में एक कॉलम एक ऐड होना चाहिए जो आप करना चाहे तो, कि क्यूमुलेटिव वर्किंग आवर्स। तो आज मान लो एक तारीख है तो एक तारीख में 6 घंटे मशीन चला है, कल के दिन में 7 घंटे मशीन चला है, तो 6 और 7 13 घंटे मशीन हो गया 2 दिन के अंदर। ऐसा पूरा मंथली का डेली आप मैनेज करोगे तो मंथली का लास्ट में आपको पता चलेगा कितने महीने में कितना मशीन चल रहा है, वो आपको एक आइडिया आएगा। वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग से भी कर सकते हो, लेकिन डेली रिपोर्ट में करने से आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कितना कितना मशीन बढ़ रहा है। उसके बाद ऑपरेटर ने मशीन में कितना डीजल लिया, जनरली कस्टमर प्रोवाइड करता है हमारी फील्ड में, क्योंकि अपना जो स्टैंडर्ड रेंट जो होता है एक्सक्लूसिव डीजल होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि कस्टमर प्रोवाइड करता है, लेकिन कस्टमर ने कितना प्रोवाइड किया या तो अपने मशीन में कितना डीजल डाला है या तो ऑपरेटर ने कितना डाला है उसका लीटर्स लिखना चाहिए। वो लीटर लिखने से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मशीन का एवरेज कितना आ रहा है। किसी साइट पे ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन में थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा आएगा, दूसरी एप्लीकेशन में थोड़ा सा कम आएगा, तो आपको ये भी अंदाजा रहेगा कौन सी एप्लीकेशन में चलाने से मशीन का एवरेज कम आ रहा है। और दूसरा कि कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, वो भी आपको आइडिया चलेगा। आपको मान लो किसी मशीन का एवरेज 10 का आना चाहिए लेकिन वहां पे 12 13 या 15 आ रहा है, तो इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी ऑपरेटर का या साइट से या चोरी होने का कैसा कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो आप ध्यान रख सकोगे। दूसरा, लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि एवरेज डीजल कंजम्पशन 10 का आता है, पूरे महीने के बाद में आप टेली करोगे तो 13 का आया, तो 3 लीटर आपके ऊपर डेबिट करेगा, तो वो ना हो उसके ये प्रिकॉशन है। जरूर पड़े तो अपने साइट सुपरवाइजर मैकेनिक को भेज के पूरा दिन का ट्रायल, 1-to-1 ट्रायल भी आप भेज सकते हो, लेकिन एवरेज मेंटेन होना चाहिए। वो हमारे एवरेज मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि मशीन हमारा है। कुछ हम मशीन एक्चुअली वर्किंग आवर्स करके उसका एवरेज मेंटेन करके कस्टमर से साइन ले लिया तो मतलब वो मशीन अपना परफेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है वो फाइंड आउट होना चाहिए। उसके बाद अलग एक कॉलम आना चाहिए कि मशीन सपोज ब्रेकडाउन है या मेंटेनेंस में है, तो वो आप वहाँ पे एक शॉर्ट नोट डाल सकते हैं, मशीन इस वजह से ब्रेकडाउन में था, इस वजह से आइडल था, या तो ये मेंटेनेंस हमने किया है, रूटीन चेकअप मेंटेनेंस कोई भी हो। इसके बाद में आप ऑपरेटर का साइन होना चाहिए डेली और सुपरवाइजर का साइन होना चाहिए। ये चीज़ हर रोज ऑपरेटर साइट पे फिलअप करेगा, और आज की टेक्नोलॉजी आपके पास है ऑपरेटर या सुपरवाइजर से आपको एक व्हाट्सअप डाल के आपको डेली आपके या आपके सुपरवाइजर के मोबाइल पे वो दे देगा, तो आपके पास उसका डेली का रिपोर्ट आ जाएगा, मशीन सिंगल शिफ्ट में चल रहा है डबल शिफ्ट में चल रहा है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। और मेंटेनेंस का सब डिटेल आपके पास होगा तो वो चीज़ आप ये पूरा लॉकशीट अपने एंड पे आप सुपरवाइजर या अपने कोई क्लर्क ऑफिस क्लर्क या आप खुद कर रहे हो तो कंप्यूटर में आज डाल दो आप,
वो पूरा डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल दो, एक्सेल शीट बना दो चाहे तो उसका बेनिफिट क्या है? ये तो आपने, मैंने अपने हिसाब से आपको जो जो कॉलम होने चाहिए वो मैंने दिखाया, लेकिन उस चीज़ के बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मशीन का आपको डेली रिपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे मशीन कौन से साइट पे किससे कस्टमर के पास चल रहा है वो आपको डिटेल मिलेगा। मशीन में उस टाइम में जो पीरियड में चला यार, तो सुपरवाइजर कौन है, ऑपरेटर कौन है, वो आपके पास रहेगा। ये चीज़ आप आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी देखना चाहोगे तो आपके पास वो पूरा डिटेल कंप्यूटर में सेट रहेगा। उसके बाद मशीन कितने आवर्स चल रही है मंथली या डेली बेसिस पे, कितने आवर्स चल रही है वो आप टैली करोगे। तो कई बार क्या होता है कि आपको जनरली स्टैंडर्ड टर्म्स ये होता है कि 10 आवर्स इन ए डे, 26 डेज इन ए मंथ, टोटल क्यूमुलेटिव आवर्स 260 आवर्स इन ए मंथ, ये सब नॉर्मल टर्म्स कंडीशन होती है। तो वहाँ पे कहीं पे आपका ओवरचार्ज, ओवर टाइम आपको मिल रहा है तो आप उस पर कुछ टाइम क्लेम कर सकते हो। या तो ऑपरेटर कुछ आपका ऑपरेटर या साइट से कोई मतलब 2-4 हज़ार का उपाड़ है, कैसा कुछ है साइट से लिया है, तो वो आपको बिल में डिडक्ट होता है। वहाँ पे आप उसको ये शो कर सकते हो, मैंने आपको इतना मशीन ओवर टाइम चला के दिया है तो वो मेरे को भी लेना बनेगा। तो उस हिसाब से आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ बेनिफिट 110% मिलेगा ही मिलेगा। डीजल कंजम्पशन के बारे में आपको रिपोर्ट मिलेगा, कौन सी साइट पे कितना चलाने से, आपकी क्या एप्लीकेशन में चलाने से कितना डीजल आपको मिल रहा है। कस्टमर को भी उसके पास डेली सुपरवाइजर साइन करेगा तो उसके पास भी डेली रिपोर्ट रहेगा, डेली रिपोर्ट रहेगा कस्टमर के सामने, आपकी इंप्रेशन भी अच्छी रहेगी कि इस पार्टी का मशीन मंगवाने से मेरे को पूरा डिटेल वो लोग हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बार रिपोर्ट आपके पास जो आता है वो कभी कभार फ्रीक्वेंटली सुपरवाइजर साइन करता होगा, उनका अपना ऑपरेटर भी साइन करता होगा, आपको देता होगा व्हाट्सएप पे। आप ये रिपोर्ट उसके ओनर से या जिससे आपने डीलिंग किया उसको भी एक एक दफा कभी कभार फॉरवर्ड करके आइए कि इतना मशीन आपकी साइट पे चल रहा है, डेली का इतना है, डीजल इतना ले रहा है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये मशीन आप 1-to-1 के टच में रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स आपके पास रहेगा, कभी कभार मशीन आइडल है तो कोई क्या रीजन से आइडल है, एक नॉट आप छोटा सा लिए आज मटेरियल अवेलेबल था, मैन पावर अवेलेबल नहीं था, कि साइट पे वर्क नहीं था तो आइडल था, तो वो आपका मशीन ब्रेकडाउन नहीं। लेकिन यदि ब्रेकडाउन है तो किस रीजन की वजह से ब्रेकडाउन है वो आप उसमें रीजन डाल दीजिए कि ये रीजन से वजह से ब्रेकडाउन है, ये ऑपरेटर गया इस टाइम को, गया मशीन इतने टाइम से ब्रेकडाउन था, इस टाइम तक रिकमीशन हुआ, तो आपको उसका एक रिपोर्ट मिलेगा। मेंटेनेंस है तो क्या क्या मेंटेनेंस किया है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब बदली किया है, क्या है, वो आपका पूरा एक ब्यौरा आपके पास रहेगा। तो इसकी वजह से मंथ एंड में आपको पता चलेगा कि मशीन कितना ब्रेकडाउन हो रहा, कौन सी एप्लीकेशन में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, या तो मेंटेनेंस कितना जल्दी आ रहा है, आपको नेक्स्ट ड्यू मेंटेनेंस कब है, वो सारा रिपोर्ट आपके पास कंप्यूटर में रहेगा। वो इन फ्यूचर आप कभी भी देखना चाहो तो देख सकते हो, या तो कोई एप्लीकेशन में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको ध्यान रहेगा कि ये एप्लीकेशन में मुझे या तो मशीन नहीं देना है या तो कुछ हायर चार्ज पे देना है, तो वो आपको पता चलेगा। ओवर टाइम चल रहा है तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ महीने में इतने टाइम से ज़्यादा ओवर टाइम चल रहा है, वो भी आपको कुछ ज़्यादा उसके बेनिफिट हो सकता है। ऑपरेटर कौन था, सुपरवाइजर कौन था, वो पूरा डिटेल आपको मिल सकता है, और ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो उसका आपको बेनिफिट 110% मिलेगा, आज भी मिलेगा फ्यूचर में भी मिलेगा। तो इतनी बातों का ध्यान जरूर रखें और अपने मशीन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें, क्योंकि मशीन मेंटेनेंस अच्छा होगा तो ही आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी देगा, वरना कोई प्रॉफिटेबिलिटी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। 5-5, 6-6, 7-7 साल निकलने के बाद भी आपको उसके एक मशीन के पीछे ब्रेकडाउन ज़्यादा रहेगा तो नुकसान आपको ओवरऑल ज़्यादा होगा, उससे अच्छा है मशीन मेंटेन अच्छी तरह से रखिए। ओके, थैंक यू।